देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच के राजा थे, उनकी एक इतिहास है बहराइच में, और इतिहास को मिटाने की साजिश ना हो बल्कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से ही ये बहराइच का अस्पताल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिसे बहराइच का नाम और बहराइच के इतिहास का नाम हमेशा हमेशा भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। इसलिए मैं मांग करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से ही मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। भले ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम अभी अधूरा हो, लेकिन उसके नामकरण को लेकर के सियासत तेज हो गई है। भाजपा में ही दो विरोधी विचारधाराएं सामने आ रही हैं, जहां प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किए जाने की मांग की है। वहीं उसके तत्काल बाद भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने एक बयान दे करके एक आपस में ही लकीर खींच दी है, भाजपा में ही विवाद के स्वर को हवा दे दी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम सुहेलदेव के नाम पर रखने की मांग शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टी में ही दो तरह की विचारधाराएं सामने आ रही हैं। देखना यह है कि इसको लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, इसके नामकरण पर क्या नाम तय करती है, लेकिन फिलहाल इसके मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर सियासत तेज है। कादरी मसूद, ईटीवी भारत, बहराइच।